अरे ये आवाज कैसी? अरे यार कोई धमाका हुआ है। चलो चलो चलो। हम लोगों को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ अक्सर वोल्केनो का खतरा मंडराता ही रहता है। नहीं आते तो क्या करते? जूही को यहाँ अकेले छोड़ देते, मुश्किल से जूझने के लिए। मैं जानता हूँ तू जूही से प्यार करता है, मगर औरों पे ऐसा अत्याचार क्यों? अब बस भी करो तुम दोनों। अरे इतनी खूबसूरत जगह में आके ऐसे कोई लड़ता है क्या? और वैसे भी जूही सिर्फ अरविंद की गर्लफ्रेंड नहीं, हमारी भी दोस्त है। उसे ढूंढना हमारा फर्ज है। अगर वो यहाँ भी नहीं मिली तो? पिछले एक हफ्ते से उसका कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। राहुल मुझे पूरा यकीन है कि वो यहीं कहीं है। अरे ऐसे कैसे यकीन है? मेरा दिल कहता है। तेरा दिल अंतर्यामी है क्या? वो देखो ये जूही है जो मदद का सिग्नल भेज रही है। चलो वो यहीं कहीं है, ढूंढते उसे। सुमन हाथ देना। यार हम लोग यहाँ दो मिनट रुक नहीं सकते। हाँ ठीक है, तब दो मिनट रुक कर पानी पी लेते। यार रीना पानी दे दे। नहीं मेरा इतना ही पानी है? नहीं मेरा और पानी नहीं है। नहीं ये आखिरी बोतल है। यार बिना पानी के इतना लंबा सफर कैसे तय करेंगे? कोई बात नहीं, आगे कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? तू क्या हम लोगों को प्यासा मारना चाहता है? तेरे पास और कोई बेहतर आइडिया है? यहाँ से शहर वापस जाएंगे ना तो उतना ही वक्त लगेगा। इससे अच्छा हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए आगे बढ़ते, कोई नदी तालाब या झरना तो मिल ही जाएगा आगे। अरविंद ठीक कह रहा है, अब हम वापस नहीं मुड़ सकते। चलो यार, दर्दी होगा, मजा थोड़ी ना आएगा। ओह नो, बहुत खून बह रहा है। डैनी, फर्स्ट एड बॉक्स देना। ये मेरा। रीना, तुम क्या इस हालत में आगे चल पाओगी? नहीं राहुल, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं और नहीं चल।
निकल सकती प्लीज। वैसे भी अंधेरा होने वाला है, अब यही इंतजार कर लेते हैं। अभी कहाँ अंधेरा होने वाला है, अभी आधा घंटा और है सूरज डूबने में। अरविंद मैं और नहीं चल पाऊंगी, प्लीज कहीं जाके रुकते हैं। ठीक है, लेकिन कल सुबह तुम्हें थोड़ा दर्द बर्दाश्त करना होगा अपनी दोस्त जूही के लिए। इससे ज्यादा मतलबी इंसान मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। सुमित, सुमित तो सूप पिएगा? वो नहीं सुनने वाला है, फिर से वही पकाओ म्यूजिक सुन रहा है, तेरी आवाज नहीं सुनने वाला वो। सीरियसली यार, इसका ना कुछ नहीं हो सकता, मैं खुद जाके देकर आती हूँ सुप्रीना को। अच्छा सुन, अरविंद ठीक है ना? पता नहीं क्या हो गया इस रोमियो का, अपने प्यार के चक्कर में हम सबकी बलि चढ़ाएगा। पता नहीं मुझे इतना प्यार करने वाला कब मिलेगा। पता नहीं तुम लड़कियां अचानक इतनी रोमांटिक कैसे हो जाती है यार। क्योंकि तुम लड़के ना सारे बुद्धू होते हो। ओके अब मैं जा रही हूँ। अरे डर गया क्या है? मैं हूँ डैनी। तुझे दूर से कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ यार सुनाई दे रही है ना। कैसी आवाज सुनाई दे रही है? सन्नाटे की आवाज सुनाई दे रही है, बस तेरे दिल का वहम है। डैनी ध्यान से सुन, कोई मदद के लिए पुकार रहा है, शायद जूही है। देख अरविंद, तू जूही के बारे में ही हर वक्त सोचेगा ना तो तेरा यही हाल होने वाला है। देख अपने दिल और दिमाग को थोड़ा आराम दे यार, जूही की हमें भी उतनी ही परवाह है जितनी की तुझे। डैनी अगर तुम लोगों को जूही की परवाह होती ना तो यहाँ बैठकर पिकनिक नहीं मना रहे होते, मेरे साथ उस पहाड़ में जाकर जूही को ढूंढ रहे होते। देख सुबह हम सब चलेंगे ना उसको ढूंढने। देर हो जाएगी, देर हो जाएगी तो हो जाने दे, तेरे प्यार के चक्कर में हम लोग अपनी जान नहीं देंगे, समझा? मैं जानता हूँ राहुल तू ये सब क्यों कह रहा है, क्योंकि तू भी मेरी तरह जूही से प्यार करता है, मगर कभी उसे कह नहीं पाया ना। क्या कह रहा है तू अरविंद? मैं सही कह रहा हूँ डैनी, ये जब भी मुझे और जूही को साथ में देखता है ना तो जलन के मारे इसके कानों से धुआं निकलने लगता है, इसलिए चाहता ही नहीं कि हम जूही को ढूंढ सके। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा प्यार? लड़ा मत यार, ठंडा हो जा, कंट्रोल में से। अरे वो कितना परेशान है जूही को लेकर यार। अबे तेल लेने जाओ तुम सब, तुम्हारे जैसे दोस्त है ना दुश्मन भले, और जूही को ढूंढने के लिए मैं और मेरा प्यार ही काफी है, तुम लोगों की जरूरत नहीं मुझे। अरविंद तू कहां जा रहा है? मेरे रास्ते से हट जा, बुरा जाएगा। जाने दे उसे, उसे हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी इसकी जरूरत नहीं है। ये आवाज तो जूही की। जूही मैं आ रहा हूं, तुम्हारा अरविंद आ रहा है। तू बस ऐसे ही म्यूजिक सुनते रहना। क्या हुआ? तुझे पता है आज मेरे और अरविंद के बीच में काफी बड़ा झगड़ा हुआ है। अरे लेकिन ये तो बता किस बात पे? अरे यार वही पुराना टॉपिक, जूही उसने अपना सामान उठाया और निकल गया उसे ढूंढने। क्या तूने उसे जाने कैसे दिया? मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की मगर उसने इसको ही धक्का दे दिया। ऐसे इंसान की तो बात ही करना बेकार है। चल सोते हैं सुमित। डैनी तुम्हें उसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था यार, यार उसे कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा उसे, सुबह होते ही हम भी ढूंढने चले जाएंगे उसे, वो भी मिल जाएगा और जूही भी, डोंट वरी। ठीक है पर कल सुबह हम सब जल्दी उठेंगे, थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। चल गुड नाइट। अरे ये क्या हो रहा है यार? ये क्या हो रहा है? ये आवाज कैसी यार? ये आवाज तो तेज ही होते जा रही है यार। अरे बाप रे पत्थर। मुझे सबसे पहले रीना को बचाना होगा। अरे ये क्या हो रहा है? रीना, डैनी, सुमित, सुमित, डैनी, ये सब आवाजें कैसी हैं?
मैं कुछ नहीं होने दूंगा। सुमित, सुमित, टैनी, 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 सुमित को बहुत तेज चोट लगी है। तुम दोनों रीना का ख्याल रखो, मैं सुमित को देखता हूँ। क्या हो रहा है सर? सुमित कहाँ गया यार? अरे कौन है वहाँ? अरे रोक, रोक! अरे मैं कहता हूँ रोक! क्या कर रहा है? रोक! रोक मैं कहता हूँ रोक! कहाँ चले गया? अभी तो यही था। वैसे भी काफी दूर आ गया हूँ। यहाँ पर तो पत्थर भी नहीं गिरे। ये तो मीरा की आवाज है। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये सब लोग कहाँ चले गए? यहाँ पर तो सब कुछ नष्ट हो गया। और ये खून के धब्बे कैसे यार? हे भगवान, यहाँ आके हुआ क्या है? यहाँ से पक्का किसी को घसीट के ले जाया गया है। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त ठीक हो यार। अब मैं क्या करूँ? हाँ, मुझे गांव वालों से मदद लेनी पड़ेगी। अरे नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार, नमस्कार। कहिए आज इतनी सुबह सुबह आ गए? अरे भाई श्यामलाल जी, अदरक वाली गर्मा गर्म चाय पिला दीजिए, ठंड बहुत है आज। हाँ अभी पिलाता हूँ। और वैसे भी चाय का असली मजा तो ठंड में ही है सरपंच साहब। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। वैसे आपने अपनी दुकान अभी तक बंद नहीं की? बाकी के गाँव वाले तो घर में छिप कर बैठे है ज्वालामुखी के डर से। लेकिन वो मौसम विभाग ने तो भविष्यवाणी की थी ना कि 4-5 दिन बाद फटेगा ज्वालामुखी। अरे भैया, ये मौसम विभाग की कब भविष्यवाणी कभी सच हुई है जो इस बार होगी? हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं। वैसे भी इन कुदरती चीजों का अंदाजा लगाना जरा असंभव सा है। मगर ज्यादा देर मत करो, कल सुबह की बस पकड़ के निकल जाओ। क्यों बेवजह में जान माल को खतरे में डालना है? क्यों भाई? हाँ ये सही कह रहे हैं, मैं कल सुबह की बस पकड़ कर गाँव चला जाता हूँ। 4-5 दिन आराम से रहूंगा वहीं पर। ये ठीक है। अरे ये क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ भाई? अरे क्या हुआ? मेरे साथी बहुत मुसीबत में है। बेटा हुआ क्या और कैसी मुसीबत? वो कल रात हम लोग उस पहाड़ के पास ठहरे थे, अचानक कई लोगों ने आकर हम पे हमला कर दिया। हमला कर दिया? किन लोगों ने हमला किया? उनके चेहरे तो नकाब से ढके हुए थे, उनके चेहरे तो नहीं देख पाया। आप कृपया CRD को बुला लीजिए। घबराओ नहीं बेटा, देखो हमने CID को बुला लिया है। क्या हुआ? आप लोग आ गए सर। अब इन CID वालों को खुल के बताओ अपनी बात। सर कल रात काटने के लिए हम उस पहाड़ पे रुके थे, अचानक वहाँ लैंडस्लाइड आ गई और कुछ पत्थर और चट्टानों ने हमारे सारे के सारे तंबुओं को नष्ट कर दिया। अच्छा फिर? सर फिर मैं अपनी एक दोस्त की मदद करने के लिए उसके तंबू में गया। सर वहां मैंने एक अजनबी इंसान को देखा। सर वो दौड़ रहा था, मैं उसके पीछे दौड़ा, पर सर वो बहुत तेज दौड़ रहा था और अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। और तुम्हारे दोस्त? सर जब मैं तंबुओं के पास वापस आया तो मेरा कोई भी दोस्त वहां पे था ही नहीं। पता नहीं कहां चले गए सबके सब। हो सकता है लैंडस्लाइड से बचने के लिए कहीं इधर उधर चले गए। सर पर मेरी एक दोस्त रीना, वो बहुत बुरी तरह से घायल थी सर, उसके पैर में बहुत गहरी चोट आई थी, मुझे नहीं लगता कि वो काफी दूर तक जा पाई होगी सर। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त उसे उठाकर ले गए हो उसकी मदद करने के लिए। सर वहाँ वहाँ मैंने खून के धब्बे और घसीटने के निशान देखे थे सर। मेरे दोस्त बहुत मुसीबत में, उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कीजिए सर। ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे, पहले ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पे करने क्या आए थे? सर वो हमारी एक दोस्त जूही, वो यहाँ कुछ 1 हफ्ते पहले फोटोग्राफी करने के लिए आई थी, अचानक से गायब हो गई। सर 1 हफ्ते से उसकी कोई भी खबर नहीं, उसी को ढूंढने के लिए आए थे सर, पर मुझे क्या पता था मेरे सारे के सारे दोस्त यहाँ आकर गायब हो जाएंगे। देखो तुम घबराओ मत, CID तुम्हारे सभी लापता दोस्तों को ढूंढ निकालेगी। हाँ सर। सर वो जूही का बॉयफ्रेंड अरविंद, सर उसके और मेरे दूसरे दोस्त राहुल के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था सर, फिर अरविंद कल रात जूही को ढूंढने अकेले ही निकल गया। किधर किधर गया वो? सर वो उस पहाड़ की तरफ।
वो तो बहुत खतरनाक इलाका है सर। कुछ महीने पहले कुछ चरवाए वहाँ भेड़ चराने गए थे, पर आज तक लौट के वापस नहीं आए सर। हाँ साहब, उधर तो ज्वालामुखी कभी भी पड़ता रहता है। सर, हम अरविंद को बचा तो पाएंगे ना सर? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। पहले तुम हमें वो जगह दिखाओ जहाँ पे तुम लोगों ने ये टेंट वगैरह लगाए थे। सर, वो रास्ता तो मुझे ठीक तरह से याद नहीं। मैं चलता हूँ आप लोगों के साथ। वैसे एक दो ही जगह ऊपर है ऐसी है जहाँ पे तंबू लगाया जा सकता है, मगर 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 क्या? मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाला समय खतरनाक साबित हो सकता है, ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, आप लोगों की जान भी जा सकती है। आप हमारी जान की परवाह मत करिए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपकी जान मुसीबत में पड़ जाए। मेरी चिंता मत कीजिए साहब, ये इलाका मेरी माँ के समान है और मैं उसका बच्चा, और दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहती। चलिए सर, यही है वो जगह जहाँ हमने सोने के लिए टेंट लगाए थे। यहाँ तो काफी तबाही मची हुई है, बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं लैंडस्लाइड की वजह से। सर ये देखिए सर, ये खून और ये घसीटने के निशान, मतलब यहाँ पे किसी को चोट लगी है और उसे घसीट के ले जाया गया है। देखो और कुछ मिलता है क्या यहाँ पे? सर ये टूटी हुई घड़ी मिली। सर ये तो राहुल की घड़ी है। आपको पूरा यकीन है ये राहुल की घड़ी है? हाँ, ये राहुल को मैंने ही दी थी उसके जन्मदिन पर। सर टेंट में सभी के सामान वैसे के वैसे ही है। सारा सामान वैसा का वैसा? मतलब डैनी जिस आदमी के पीछे भागा था वो चोरी करने के इरादे से यहाँ नहीं आया था? हाँ सर। तो ये निशान कहाँ लेके जा रहे हैं? सर मतलब यहाँ पे जो तबाही मची है वो सिर्फ लैंडस्लाइड की वजह से नहीं है, यहाँ पे डैनी के दोस्तों पे किसी ने हमला किया है। और सर उस हमले में शायद कोई घायल हुआ है और शायद किसी को घसीट कर ले जाया गया है। इस इलाके में पहले ऐसी कोई घटना नहीं घटी, ऐसे शांतिपूर्ण इलाके में असामाजिक तत्व कहाँ से आ गए? जहाँ से भी आए होंगे बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। सर डैनी के चार दोस्त थे, तो जोर जबरदस्ती तभी हो सकती है जब हमलावर भी चार से ज्यादा हो। लगता तो ऐसा ही है, शायद हथियार वगैरह भी होंगे उनके पास। मगर सर हमलावरों ने लैंडस्लाइड का ही वक्त क्यों चुना हमला करने के लिए? और सर अगर हमला किया तो कुछ चुराया क्यों? मतलब साफ है उनका मकसद लूटपाट नहीं, ये कुछ और ही चक्कर है। सर मेरे दोस्त बस तो जाएंगे ना? डैनी, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आसपास का एरिया अच्छी तरीके से चेक करो। बदबू कैसे? My God. निखिल, श्रेया, करण, जयवंती, इधर आओ। ये देखा? सर ये मेरा कोई दोस्त तो नहीं है? अभी पता चल जाएगा। डैनी सर इधर भी मिट्टी थोड़ी मुलायम लग रही है। इधर भी लाश है और ये मिट्टी भी, कहीं इसमें भी तो कुछ। काम करो, खोदो इसे। यस सर।
सर इसकी तो शक्ल भी पहचान में नहीं आ रही, कहीं मेरे दोस्त तो नहीं है? नहीं नहीं, लाश काफी सड़ चुकी है, लगता है इसे बहुत पहले गाड़ा गया है। और सर ये आसपास पड़ी हुई राख देखकर लगता है कि ये जला भी लावा से होगा। लगता है लैंडस्लाइड का शिकार हो गया है बेचारा। मुझे तो इसकी लाश भी नहीं देखी जाती। सर रियान लड़की की लाश है। माय गॉड, दोनों लाशों की हालत एक ही जैसी है, लगता है दोनों को एक साथ और एक ही वक्त मारा गया है। लेकिन ये लैंडस्लाइड के शिकार नहीं है, जुर्म के शिकार है। देख रहे हो इसके पेट पे चाकू का घाव है। आखिर इस इलाके में हो क्या रहा है? पहले तो कभी चोरी चकरी तक नहीं होती थी, खून। सर अब तो मुझे अपने दोस्तों की और भी फिक्र होने लगी है, अगर वो भी हमें इसी हाल में मिले तो। यार डैनी, तुम हमेशा नेगेटिव सोचते हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे दोस्तों का, हम बचा लेंगे उन्हें। श्रेया कोई आईडी है? नहीं सर कोई आईडी नहीं। इसके पहले लाश से चढ़ जाए फॉरेंसिक भिजवाना पड़ेगा। निखिल सर हेलीकॉप्टर बुलवा और लाशों को फॉरेंसिक लैब भिजवाने का इंतजाम करो। सही देखिए कोई हम पे नजर रखा हुआ है दूरबीन से। सर कल रात को हमें भी वहां से एक चिंगारी जैसी दिखी थी, हमें लगा जूही मदद के लिए पुकार रही है। कुछ चल रहा है वहां पे, वहां जाके देखना पड़ेगा। नहीं अरविंद, थकना नहीं है, चलते रहना, जूही के खातिर चलते रहना। कम ऑन। ये तो जूही की आवाज है। जूही घबराओ मत, मैं आ रहा हूं मैं। जूही यहीं से तो आवाज आ रही थी, कहां चली गई? जूही जूही फॉरेंसिक लैब में आया ना तो चुपचाप एक कोने में जाकर के खड़ा रहे, समझा? मधुमक्खी की तरह से मेरे सर पर मत मंडरा। मंडरा नहीं रहा हूं सलून के सब, मैं तो बस ये देख रहा था कि कहीं आपको मेरी जरूरत तो नहीं है। जी नहीं रेड्डी साहब, अगर हमको आपकी जरूरत होगी ना तो हम आपके पास आकर के निवेदन करेंगे, श्रीमान रेड्डी साहब जी हमें आपकी जरूरत है, समझे? तब तक आप वो करिए जो आपके एसीपी ने आपको कहा है, जाइए। ठीक है सालों के साहब, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हिचकिचाना मत, मैं हूं। अरे यहीं पे हूं। जाओ यार तुम। फ्रेडी क्या हुआ? सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। मैंने सालों के साहब और तारिका को बता दिया है कि क्या करना है। गुड। क्या बोला तुम? तुमने बता दिया तारिका और मुझे कि क्या करना है, तुमने बताया है? और नहीं तो क्या, मैंने ही तो आपको पता लगाने के लिए बोला था ना कि ये दोनों लाशें कितनी पुरानी है। अरे यार ये हाँ फ्रेडी, मगर पता लगाया तो सालों के साथ नहीं ना, तुमने इन्हें ये थोड़ी ना सिखाया था कि मौत का वक्त कैसे पता लगाया जाता है, है? हाँ सर चलो ठीक है ठीक है। अच्छा सालों के बता, क्या पता चला इन दोनों की मौत के बारे में, कब हुई मौत? बस इन दोनों की मौत 7-8 दिन पहले हुई। मौत की वजह? दोनों को बहुत ही
बहुत ही बेरहमी से मारा गया है, चाकू से। ये देखो, इन दोनों की कॉलर बोन पे निशान देख रहे हो ना बॉस, ये निशान चाकू का है और उसकी खोपड़ी पर और फसलियों के पिंजरे में घाव भी बहुत है। लगता है किसी भारी चीज से दोनों की पिटाई की गई है चाकू से मारने से पहले। मतलब मारने वाले एक से ज्यादा थे, लगता तो ऐसा ही है। फ्रेडी, कुछ पता चला इन दोनों के बारे में? बताओ बताओ, पता तो लगे कि अपना भी काम करते हो, मेरे ही सर पे खड़े रहते हो। सर, मैंने पूरा क्रिमिनल डेटाबेस चेक किया मगर कोई मैच नहीं मिला। मिसिंग पर्सन ब्यूरो के रिकॉर्ड चेक किए? नहीं सर। जा चेक करो। यस सर। मरी हुई औरत का रिकॉर्ड तो नहीं मिला मगर आदमी का रिकॉर्ड मिला है। देखिए सर, नाम रघुवीर है, 6 दिन पहले इसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है। और सर इसमें यह भी लिखा है कि रघुवीर एक वॉल्केनोलॉजिस्ट था। मतलब ज्वालामुखी पर रिसर्च करने गया होगा ये रघुवीर। सर यहाँ पर तो बहुत गर्मी है। नीचे लावा होगा ना, उसकी वजह से गर्मी है। ये तो कुछ नहीं, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे गर्मी और बढ़ती जाएगी। अगर बर्दाश्त नहीं होता ना तभी वापस लौट जाओ। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने दोस्तों को छोड़ के कहीं लौटने नहीं वाला। सर? हाँ? सर वो वॉल्केनोलॉजिस्ट रघुवीर के साथ जिस औरत की लाश मिली थी, हाँ? उसके बारे में अभी तक ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है। पर हैरानी की बात यह है कि उसका यहाँ आने का कोई प्लान ही नहीं था, उसने बस अपना बैग उठाया और यहाँ आ गया। कोई तो खास वजह होगी जो उसे मौत के मुंह में घसीट लाई। रणवीर से आखिरी बार फोन पे किससे बात हुई थी? सर पंकज उसके बारे में पता लगा रहा है। अरे तुम्हारे क्या है? लगता है लैंडस्लाइड होने वाली है, भागो यहाँ से। सब मामा तो खाई में गिरी है। बोला था उसको अपनी जान जोखिम में ना डाले हमारे साथ आके। सर पता नहीं वो जिंदा भी हो गया। नीचे पेट्रोल पुलिस को फोन करो, कुछ ऑफिसर भेजें इसको ढूंढने के लिए। सर आ दया, कुछ पता चला? क्या मतलब जिस लड़की की लाश मिली है वो जूही है क्या? सर सर जूही की मौत हो गई। सर ठीक है दया, मैं बाद में फोन करता हूँ तुमको। डैनी, जूही तो नहीं रही लेकिन तुम्हारे बाकी बचे हुए दोस्त हैं, उनको ढूंढना जरूरी है, हैं? सर अगर जूही की मौत पहले ही हो चुकी थी तो मदद के लिए पहाड़ पे चिंगारियां और पटाखे कौन छोड़ रहा था? और सर जूही तो रघुवीर को जानती भी नहीं थी, अगर वो किसी मुसीबत में थी तो उसे हमें बुलाना चाहिए था, उसने इस रघुवीर को क्यों बुलाया? क्या पता तुम्हें, जानती हो? नहीं सर। सर पंकज का SMS आया है, उसने जूही के फोन रिकॉर्ड्स भेजे। इससे पहले जूही और रघुवीर के बीच फोन पर कभी भी बात नहीं हुई थी। अजीब बात है, जूही ने रघुवीर को सिर्फ एक बार फोन किया और वो यहाँ आ गए और दोनों मारे गए। सर रघुवीर एक वॉल्केनोलॉजिस्ट था, हो सकता है जूही के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो वो रघुवीर को बताना चाहती है। डैनी, जब आखिरी बार जूही से तुमसे बात हुई थी तो वो बाढ़ के किस हिस्से में थी? वो सर बाढ़ की पौड़ी। बाढ़ की पौड़ी, चलो।
पानी थोड़ा थोड़ा पानी पी लो सर। जी सर। सर मुझे तो प्यास नहीं लगी है, तुम पी लो। पीजिए ना सर। नहीं नहीं पी लो। थैंक यू सर। चल निखिल, तूने कभी सचमुच में ज्वालामुखी फटते हुए देखा है? ज्वालामुखी फटते तो नहीं देखा है, लेकिन जब दया सर का हाथ किसी मुजरिम के गाल पे पड़ता है तो भी ज्वालामुखी से कम नहीं आता। और कितनी दूर है हार की पौड़ी? बस आसपास ही है, पहुंचने ही वाले। तो वो झोपड़ा है शायद वहां। चलो देखते हैं। राहुल, अरविंद, मीरा, तुम लोग आओ। थैंक गॉड, मैं तो घबरा ही गया था कि तुम लोगों को कुछ हो तो नहीं गया। इससे पहले कि वो लोग वापस आ जाए प्लीज हमें जल्दी से खोल दो। कौन लोग? किसकी बात कर रहे हैं? पता नहीं, और हमें तो ये भी नहीं पता उन्होंने हमें ऐसे कैद क्यों किया है। सर सर ये देखिए, रेडियो इक्विपमेंट, यानी कि यहाँ से कोई बाहर सिग्नल भेज रहा है। चल क्या रहे हैं यहाँ पे? माय गॉड, डायनामाइट। सर लगता है यहाँ पे कोई बहुत बड़ी खिचड़ी पकड़ी है। तुम लोग ठीक तो हो ना? मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था तुम्हें वापस देखने की। इतनी आसानी से तुझे नहीं खोने वाला मेरे दोस्त, अभी तो काफी कुछ है एडवेंचर करने के लिए। इतना एडवेंचर काफी नहीं आप लोगों के लिए है? अब शुरू से बताइए कैसे हुआ ये सब। सर उस रात जब लैंडस्लाइड हुई थी। सुमित, सुमित कहाँ है? So, ये किसी ऐसे गिरोह का काम लगता है जो अपने जुर्म को अंजाम तभी देता है जब लैंडस्लाइड हो रहा हो। पर मुझे समझ नहीं आया उन्होंने हमें किडनैप किया क्यों? क्योंकि हमने तो उन्हें पैसे भी ऑफर किए, पर उन लोगों ने पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। क्योंकि उनका मकसद लूटपाट नहीं, कुछ और ही है। मुझे लगता है ये डायनामाइट का इस्तेमाल ये लोग लैंडस्लाइड पैदा करने के लिए करते हैं और उसी भगदड़ में अपने जुर्म को अंजाम दे देते हैं। लेकिन सर वो ऐसा क्यों करते होंगे? इसका जवाब तो वो मुजरिम ही देंगे। तुम लोगों ने कुछ सुना था? क्या बात कर रहे थे? बोलो कहाँ गए? जी हाँ सर, उनमें से एक आदमी बोल रहा था कि बॉस ने उन्हें पश्चिम दिशा की ओर बुलाया, शायद वो उस तरफ गए होंगे। पश्चिम दिशा? करण तुम इन लोगों के साथ यहीं पे रुको, हम लोग देखते हैं। पश्चिम दिशा इस तरफ दिखा रहा है। सर लगता है लावा फिर से निकलने वाला है। पता नहीं लावा है या ये डायनामाइट का कमाल है। क्या कहीं इस गुफा में तो नहीं चल रही वो काला बाजारी? चलो हाँ आ जाओ। सीआईडी? सही पहचाना। क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या चल रहा है ये जानना जरूरी नहीं तुम्हारे लिए। अपनी भलाई चाहते हो तो जहां से आए वहां लौट जाओ वापस। अबे ओए, ताश की पत्ती के 53वें पत्ते, जानता है किसके सामने खड़ा है तू? अभिजीत सर का दिमाग ठनका ना तो तुम सबकी खैर नहीं है। ये सीआईडी लोग ऐसे नहीं मानेंगे। यार!
सीएलडी वाले यहाँ आ तो गए हैं लेकिन जिंदा वापस नहीं जाएंगे। कीमती पत्ते तो ज्वालामुखी की आड़ में तस्करी चल। तो तुम जिंदा? हाँ, मैं जिंदा हूँ। तो तुम कर रहे हो इनसे कीमती पत्थरों की तस्करी? हाँ, क्योंकि ये गांव मेरा है और इस गांव की हर चीज पर मेरा हक है। और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। इसीलिए रघुवीर और जोई की भी जान ली तुमने? हाँ, क्योंकि वो दोनों ही मेरे काले कारनामों के बारे में सब कुछ जान चुके थे। जो भी आई थी यहाँ पे तस्वीरें लेने, लेकिन जरूरत से ज्यादा जान गई थी तो उसने रघुवीर को भी यहाँ बुला लिया और रघुवीर ने अपने इक्विपमेंट से ये जान लिया कि ये ज्वालामुखी कुदरती नहीं बल्कि मेरे डायनामाइट के ब्लास्ट से होता है। इसलिए मजबूरन मुझे दोनों को खत्म करना पड़ा। ये सारी बातें अदालत में चल के बताना। अदालत में तो तब बताऊंगा ना जब मुझे कोई पकड़ेगा। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। बुरे काम का बुरा नतीजा। देश की संपत्ति किसी एक की नहीं होती, देश की संपत्ति देश की होती है। लावा पड़ रहा है, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी निकलो यहां से, लावा आ रहा है इधर, जल्दी चलो चलो चलो, जल्दी आओ, जल्दी चलो चलो चलो, चलिए ऊपर आ, जल्दी संभाल के आ जाओ, जल्दी गर्ल्स आ जाओ। Hey!
बहुत जल्द हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मत सर, आज अगर आप लोग यहाँ पर नहीं होते तो शायद हम सब यहाँ पर जिंदा नहीं पहुंच पाते। इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था। सर आज तक तो हम बस फिल्म स्टार और क्रिकेटर्स को ही अपना सुपर हीरो समझते रहे, पर आज पता चल रहा है असली सुपर स्टार तो आप सब लोग हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.